कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पहले से तय घोषणा के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली है। वह 31 अगस्त को पवित्र स्थल की यात्रा को रवाना होंगे। उसके पूर्व ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई देते हुए सोशल साइट्स पर एक पोस्टर वायरल किया है, जिसमें उनको शिव भक्त और जनेऊधारी पंडित बताया गया है। तेजी से वायरल हो रहे पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के अलावा पोस्टर जारी करने वाले कांग्रेस जिला महासचिव हसीब अहमद को तस्वीर लगी है। देखिए 29 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से जो वादा किया था कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के, वो यात्रा और वो वादा पूरा करने का समय राहुल गांधी जी का आ गया और सुनिश्चित भी हो गया है कि 31 अगस्त को श्री राहुल गांधी जी अपने 12 दिनों के दौरे पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन के रास्ते होकर के जाएंगे, जिसको लेकर के हम लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देशवासियों को बधाई दिया और एक पोस्टर वायरल किया है, जिसमें हमने दर्शाया ये है शिवभक्त जनेऊधारी पंडित राहुल गांधी जी के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हार्दिक शुभकामनाएं, ये हमने उसमें शीर्ष दिया है। निश्चित तौर पर पंडित राहुल गांधी जी की ये यात्रा हिंदुत्व को और देशवासियों को और सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा देगी और देशवासियों को के लिए एक संदेश होगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जाकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में पंडित राहुल गांधी जी देश में तमाम फिरका परस्त ताकतों को, अवसरवाद ताकतों को और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कामना की करेंगे। क्या पोस्टर वायरल के बहाने हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए श्री राहुल गांधी जी सभी धर्मों का पालन बड़े ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं। वो मस्जिद भी जाते हैं तो मंदिर भी जाते हैं, वो चर्च भी जाते हैं तो गुरुद्वारा भी जाते हैं, मगर विपक्षियों के पास कोई एजेंडा कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी जी से कभी उनके जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी मजहब के नाम पर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मगर देश की जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि पंडित राहुल गांधी जी एक सनातन धर्म के हिंदू हैं जो जनेऊधारी हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी अतोत्साहित है। हसीब अहमद, एट 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल केसरवानी।